नमस्ते दोस्तों, तो फिर से लेके आ चुके हैं धांसु फोटो एडिटिंग वीडियो। देख सकते हैं मेरा किस प्रकार का हुआ है और आपको भी इसी प्रकार का सिखाऊंगा। और जितना भी PNG है, सारे PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाके आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलो बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फोटो किस प्रकार का है और इसी फोटो को करेंगे एडिट। यहाँ पे गन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सीक्रेट, तो चलो इसको शेयर कर लेते हैं ऑटो टेक्स में। ऑटो टेक्स में शेयर करने के बाद सिंपली करेंगे फेस स्मूथ। और फेस स्मूथ करने के लिए तो ब्रश को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ब्रश को सिलेक्ट। तो ऊपर करेंगे स्क्रॉल और ये रहा मेरा ब्रश। इसी ब्रश से करेंगे फेस स्मूथ और सेटिंग देख लीजिए मेरा किस प्रकार का है। और इसी प्रकार के रखना है आप लोगों को भी सेटिंग। और यहाँ से देख लीजिए ये भी सेटिंग, इसी को रखेंगे तभी अच्छी तरह से होगा फेस स्मूथ। तो उसके बाद मैं कर लेता हूँ फेस स्मूथ अच्छी तरह से, करेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे तो अच्छी तरह से होगा और स्पीड करेंगे तो नहीं होगा अच्छी तरह से। तो आप लोगों को भी स्लो स्लो करना है फेस स्मूथ। तो मैं सिंपली कर लेता हूँ वीडियो को स्पीड। देख सकते हैं मेरा कितना धांसु तरीके से हुआ है फेस स्मूथ। इस प्रकार का कोई नहीं सिखाया होगा पूरा YouTube पर जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, और इस तरह फेस स्मूथ भी नहीं किया होगा कोई पूरा YouTube पर, बोल देते हैं। तो इसको पहले शेयर कर लेंगे फोटो रूम में, नहीं सॉरी फोटो रूम में नहीं, लाइट रूम में। ऐसे कर लेते हैं शेयर और यहाँ पर है शेयर, और उसके बाद ये वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे 3W और इन पर टैप करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे और ये हो जाएगा मेरा लाइट रूम में एप्लीकेशन में शेयर। और ये मेरा हो गया है लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर। उसके बाद चलेंगे कलर पे, कलर पे जाने के बाद सिंपली चलेंगे मिक्स पे। और यहाँ पर आने के बाद इनको ये नीचे वाले को बढ़ा देंगे और ये बीच वाले को माइनस कर देंगे और ऊपर वाले को भी हल्का माइनस। फिर आएंगे यहाँ पे, आने के बाद इनको हल्का माइनस, इनको प्लस और ऊपर वाले को भी हल्का माइनस करेंगे और ये हो गया। उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पे, आने के बाद इनको प्लस कर देंगे और इनको भी, और फिर आएंगे यहाँ पे, इनको हल्का करेंगे प्लस। और कुछ नहीं करना है, सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर इनको बढ़ाएंगे हल्का
और इतना ही रहने देते हैं, फिर इनको मैनेज करेंगे इतना ही, और उसके बाद इनको अल्कमिनस, और ये हो गया। उसके बाद चलेंगे लाइट पे। लाइट पे आने के बाद इन लाइट को बढ़ा देंगे, इतना रहने देते हैं, और उसके बाद इन पर आएंगे। ये सारे सेटिंग को यूज करेंगे, नहीं रहने देते हैं, और ये हो गया। और उसके बाद शेयर कर लेंगे फोटो रूम में, यहाँ से कर लेते हैं शेयर फोटो रूम में। मेरा तो डाटा है ही नहीं, तो फिर भी कर लेते हैं फोटो रूम में शेयर, देखते हैं होता है कि नहीं। तो सिंपली मेरा हुआ नहीं फोटो रूम में बैकग्राउंड कटआउट, पहले से ही था मेरा बैकग्राउंड कटआउट। और उसके बाद इसी से करेंगे एडिट, आप लोगों को सिखाएंगे इसी पीएनजी से। और ये रहा बैकग्राउंड, कुछ इस प्रकार का है, और इसको शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो मैं सिंपली कर लेता हूँ शेयर, सिंपली शेयर कर लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर टैप कर देंगे। टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार का आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चलेंगे एस, और यहाँ पे आएंगे। आने के बाद हल्का बैकग्राउंड को काट देंगे, इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, डन के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये हो गया। फिर चलेंगे यहाँ पे, आने के बाद फिर इनको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इनको ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये हो गया। उसके बाद फिर ये साइज को कम कर देंगे, इतना ही रहने देते हैं। फिर चलेंगे यहाँ पे, आने के बाद इन पर टैप करेंगे, और इनको फुल कर देंगे 100, और इनको माइनस 1, और फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक बार और करेंगे, फिर आएंगे यहीं पे, आने के बाद फिर इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे 555, और यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे शो कर रहा है, फिर से देख लीजिए। तो मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ 2923, और ये हो गया। और उसके बाद जो अभी मैंने बैकग्राउंड कटआउट किया था, फोटो पीएनजी बनाया था, तो उनको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे, और ये पूरा मेरा शो करने लगेगा, जितना गैलरी में फोटो होगा सारे शो करने लगेगा वहाँ पे। और उसके बाद ये साइज को इनको इधर खींचेंगे, और ये हो गया बड़ा, और हल्का नीचे करेंगे, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हो गया, और उसके बाद फिर पीएनजी लाएंगे यहीं से, जहाँ से बताया अभी वहीं से लाएंगे 2-3 पीएनजी, उसको ऐड कर लेते हैं पहले। और देख सकते हैं मैंने 3 पीएनजी ऐड किया हूँ, एक हेयर, और ये एक सीक्रेट, और ये गन। और पहले करेंगे हेयर को सिलेक्ट, कुछ इनको इस प्रकार का घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद साइज को बढ़ा लेंगे, और ये हो गया। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद देख सकते हैं किधर किधर शो हो रहा है, उनको अच्छी तरह से काट लेंगे, और ये देख सकते हैं इसी तरह से काटेंगे,
और इनको भी हल्का काट लेंगे। और ये हो गया, उसके बाद सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर सीक्रेट वाले पीएनजी को लेंगे और ये हो रहा है। और सीक्रेट वाले पीएनजी को इधर कर लेंगे और ये हो गया। उसके बाद सीक्रेट को अच्छी तरह से ऐड करेंगे और फिर जाएंगे इरेज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे टाइप करने के बाद फिर इनको हल्का इरेज कर देंगे और इनको भी, जो कि लगे ये रियल है। ये जितना भी पीएनजी मैं लगा रहा हूँ सारे पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं से जाके डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को। और फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर गन को करेंगे सिलेक्ट और गन वाले पीएनजी पर टाइप करने के बाद यहाँ पे आएंगे। आने के बाद इन पर टाइप कर देंगे, अपने आप घूम जाएगा ये। और फिर अच्छी तरह से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। और ये हो गया, उसके बाद फिर चलेंगे इरेज वाले ऑप्शन पर। जाने के बाद यहाँ पर टैप कर देंगे और ये सारे मिट गया। और फिर करेंगे इरेज, अपने आप आ जाएगा। और अच्छी तरह से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैं कर लेता हूँ वीडियो थोड़ा स्पीड। तरह से इरेज देख सकते हैं कितना धांसू तरीके से हुआ है। और उसके बाद फिर कर देंगे डन के ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद और पीएनजी लाएंगे जो कि छूट रहा है मेरा, और यही पीएनजी छूट रहा था एक। और उसके बाद इनको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से। और ये हो गया, उसके बाद फिर चलेंगे इरेज वाले ऑप्शन पर। जाने के बाद इनको काट लेंगे हल्का हल्का और ये कुछ ज़्यादा ही कट गया। और ये हो गया, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दो बार डन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये सारे सेव हो जाएगा। और पीएनजी लाएंगे जो कि आगिन था यहाँ पे और कुछ था, उसको भी लाएंगे, सिलेक्ट करेंगे अच्छी तरह से। और देख सकते हैं मैंने 3 पीएनजी ऐड किया हूँ फिर। और उसके बाद अच्छी तरह से इनको यहाँ पे लगाएंगे अच्छी तरह से। और ये हो जाने के बाद फिर चलेंगे इधर, स्क्रॉल करेंगे, करने के बाद ये मिला, इन पर टैप कर देंगे। और उसके बाद इन पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद ये हो गया, उसके बाद फिर इनको लेंगे
और बीच पर बीच में ला करके साइज को बढ़ा लेंगे। और ये हो गया, फिर इधर स्क्रॉल करेंगे, करने के बाद ये रहा, और उसके बाद दो नंबर पर टैग कर देंगे और ये हो गया। उसके बाद ये रहा PNG एक, और इनको भी मैं तेरा BF तू मेरा GF, और इनको फिर वहीं पे चलेंगे स्क्रॉल करके, जाने के बाद ये रहा और दो नंबर पर टैप कर देंगे और ये हो गया। और उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर चलेंगे Lightroom एप्लीकेशन में, यहाँ से शेयर कर लेता हूँ Lightroom एप्लीकेशन में, और फिर इस पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद फिर Lightroom एप्लीकेशन पर टैप करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन पर, Lightroom एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद चलेंगे कलर वाले आइकन पर, और जाने के बाद मिक्स पे, और ये वाले कलर को ऐड करेंगे, और इनको माइनस कर देंगे, और इनको प्लस, और ये हो गया। फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इनको हल्का बढ़ाएंगे और ये हो गया। और उसके बाद इधर स्क्रॉल करेंगे और ये रहा, और इनको माइनस कर देंगे, और इनको भी, और इनको हल्का प्लस, और फिर चलेंगे Lightroom एप्लीकेशन में, सॉरी PicsArt एप्लीकेशन में जाएंगे फिर से यहाँ से, और शेयर वायरल ऑप्शन पर टैप कर देंगे। और ये रहा मेरा PicsArt, और जाने के बाद फिर PNG लाएंगे, और देख सकते हैं मैंने दो PNG ऐड किया हूँ। और पहले इनको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ये हो गया। उसके बाद इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से घुमा लेते हैं इनको, और इस पर टैप कर देंगे और ये घूम जाएगा। और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे अच्छी तरह से ऐड करेंगे और ये हो गया। और उसके बाद फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, आने के बाद और हेयर वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे, और यहाँ से कलर को ऐड करेंगे लाल वाले को, और ये मैंने ऐड कर लिया हूँ। और उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद और यहाँ पे हल्का चला देंगे होंठ पे, और इनको बढ़ा लेंगे हल्का, और ये हो गया। फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे, एक बार और डन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये हो गया। फिर यहाँ से सेव कर लेंगे अपना गैलरी में, और ये मेरा गैलरी में हो गया सेव। देख सकते हैं ये फोटो आ गया मेरा। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।